प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा आठवीं का विषय हिंदी का तीसरा पाठ, जिसका नाम है लकड़हरा और वन, यह पाठ देखने वाले हैं। इस पाठ के लेखक है अरविंद भटनागर जी। इस पाठ में कुल चार पात्र हैं, एक लकड़हरा, दूसरा भगवान जो ग्रामीण के रूप में आता है, तीसरा लकड़हरे की पत्नी और चौथा एक हरा भरा पेड़। इस पाठ में कुल दो दृश्य है, उसमें का पहला दृश्य आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला दृश्य। एक लकड़हरा टहलता हुआ मंच पर आता है। लकड़हरे के हाथ में कुल्हाड़ी है, वो पेड़ के पास आकर रुक जाता है। लकड़हरा पेड़ को देखकर, चलो आज इसी पेड़ को काटे, इसमें आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी के गहरे पानी में गिर जाती है। लकड़हरा चिंतित एवं दुखी स्वर में, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी, पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं। ग्रामीण, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ। लकड़हरा दुख भरे शब्दों में, क्या करूं भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। ग्रामीण, हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। लकड़हरा कहता है, भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। ग्रामीण कहता है, ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूं। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आया। अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। लकड़हरा कहता है, नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ग्रामीण कहता है, ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूं। नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आता है। लकड़हरा, अच्छा से क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई। ग्रामीण कहता है, हाँ मिल गई, लो यह सोने की कुल्हाड़ी। लकड़हरा कहता है, नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूं, ये सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी है ही नहीं। दुखी होकर, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया। ग्रामीण कहता है, बीच में, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है, मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। ग्रामीण नदी में कूद कर लोहे की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आता। ग्रामीण, लो भाई, इस बार तो ये लोहा ही हाथ लगा है। लकड़हरा अपनी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर खुश होता है, तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे, ऐसे लकड़हरा ग्रामीण को कहता है। फिर बाद में ग्रामीण कहता है, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हरा हाथ जोड़कर, वह क्या। ग्रामीण, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं दी, ऐसा क्यों। लकड़हरा कहता है, दूसरे की चीज को अपनी खाना ठीक नहीं है, मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। धन भगवान कहते हैं, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन एक शर्त पर, तुम हरे भरे पेड़ को नहीं काटोगे, नहीं लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। उस पर लकड़हरा कहता है, मुझे शर्त मंजूर है, शर्त बोले तो बाजी। और इसी वक्त इस एकांकी का पर्दा गिरता है।